गंदगी टेस्ट को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्टैंडर्ड टेस्ट और नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। तो स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है? प्रमाणित परीक्षण। प्रमाणित परीक्षण का मतलब क्या होता है? ऐसा टेस्ट जिसमें क्या दिया जाए, प्रमाण पत्र दिया जाए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? प्रमाणित टेस्ट। और ऐसा टेस्ट जैसे अभी मंथली आपका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट प्रमाणित टेस्ट हो गया, और जो आपका मेन एग्जाम होगा वो टेस्ट के रूप में हो रहा है, लेकिन वो कौन सा टेस्ट होगा? प्रमाणित। सुनो, जनरली जो टेस्ट होते हैं दो ही प्रकार के होते हैं, प्रमाणित और अप्रमाणित, ठीक है। अब वो इसमें प्रकार होंगे कि सीबीटी रिटर्न को इनके प्रकार में इनमें आएंगे, वो देखते हैं आगे चले, तो ये पता चलेगा नाम से। जी सर, ठीक है। अब देखिए, अब जो प्रमाणित और अप्रमाणित परिवर्तन जो टेस्ट थे उसको पुनः आपने कितने भागों में बांट लिया? तीन भागों में बांट लिया। कौन कौन से में? एक रिटर्न टेस्ट और परिवर्तन टेस्ट, तीन भागों में बांट लिया, ठीक है। अब देखिए ओरल टेस्ट, अब बात करते हैं कि टेस्ट की। ओरल टेस्ट को बोलते हैं मौखिक परीक्षण। तो ऐसा टेस्ट या ऐसा परीक्षण जो किसी से प्रश्न पूछकर और उसका उत्तर सुनकर उसका परीक्षण किया जाता है, तो कौन सा टेस्ट कहलाता है? ओरल टेस्ट कहलाता है। तो रिटर्न टेस्ट, एक बार इसकी एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज दिखाइए। अब देखिए एक चीज बताओ कि इसमें देखना पर तुम्हारी इच्छा से बताना कि ओरल टेस्ट अच्छा होता है या रिटर्न टेस्ट अच्छा होता है। रिटर्न टेस्ट बेहतर होगा, क्यों? क्योंकि ओरल में तो एक चैप्टर से लिखे, इस चैप्टर के लिए ओरल टेस्ट अच्छा होता है या रिटर्न टेस्ट? जैसे इंस्ट्रक्टर के लिए तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूँ, ओरल टेस्ट लू या रिटर्न टेस्ट लू, तो मुझे कौन सा बढ़िया लगेगा? सुनो मेरी बात, तुम्हारे जीरो नंबर आगे, सुनो, हमें जीरो चढ़ा दिया अगर, तो तुम बोलो तुम मेरे पास क्या सबूत है कि इसके जीरो नंबर है? मेरे पास में क्या सबूत रहेगा? तब वो आप कहते हो सर, जैसे आप अभी सर प्रिंसिपल सर मेरे नंबर तो जीरो दे दी, इसने जान सर ने जान कर, लेकिन रिटर्न में तो मेरे पास में कॉपी रखी है तुम्हारी, तुम्हारे उसमें वो रखे है कि तुमने क्या क्या आंसर दिया, कि इंस्पेक्टर हमारे माता पिता के समान कार्य करता है, ठीक है। तो मैं ये पढ़ के तो सुना सकता हूँ ना कि सर इसके चार नंबर दिए, वो भी बड़ी मुश्किल से दिए, लेकिन ओरल में यानी आपको चैलेंज नहीं कर सकते आप। तो वो ये देखो इसकी एडवांटेज देखिए, विस्तार पूर्वक तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, यानी आपको विस्तार पूर्वक तैयारी नहीं करनी, ठीक है। प्रश्न पत्रिका तैयार करना तथा उत्तर पत्रिकाओं की जांच करना आवश्यक नहीं है, ये लाभ चल रहे हैं, यानी मेरे को प्रश्न बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई कॉपी चेक करने की जरूरत, इससे चार सवाल पूछे, चार ऐसे पूछे हो गए ओरल के। एक ये है, एकमात्र परीक्षण है जिसमें परीक्षार्थी का परीक्षक एक दूसरे के सामने पाए जाते हैं, यानी जो पूछने वाला होगा वो आमने सामने होगा एक दूसरे के, ठीक है ना। और विद्यार्थी अगर प्रश्न नहीं समझता तो वह उसी समय स्पष्टीकरण प्राप्त करके उत्तर दे सकता है, यानी अगर मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा तो आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे से बोल सकते हो सर आप दोबारा बोलिए, ठीक है, तो मैं दोबारा बोलूँगा। प्रत्येक परीक्षार्थी की व्यक्तिगत रूप से परीक्षा ली जाती है, इसलिए नकल या अनुकरण की संभावना नहीं होती, ठीक है, यानी नकल की संभावना नहीं होती, लेकिन रिटर्न में रिटर्न में तुम्हारे लिए फायदा, ठीक है। ऊपर लिखे थोड़ा सा इसकी डिसएडवांटेज देखिए, डिसएडवांटेज का मतलब इसकी कमी क्या है, इसकी क्या है, यानी एक समय पर एक का ही परीक्षण किया जाए, जैसे अभी मान लीजिए मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका ओरल टेस्ट के, इंटरव्यू तो इंटरव्यू ले रहा हूँ, यहाँ पे 100 बंदे आए इंटरव्यू देने, ठीक है, अब एक एक बच्चा आएगा तो मैं कम से कम 15 मिनट उसका टेस्ट ले रहा हूँ, तो 100 बच्चे आए तो मैं कितना टाइम लगेगा? अगर मैं एक ही पेपर बना के सबसे एग्जाम करवा दूँ रिटर्न, तो हो जाएगा क्या? हो जाएगा 90 का ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना।
तो देखिए एक समय पर केवल एक ही परीक्षार्थी की परीक्षा ली जाती है, इसलिए यदि परीक्षार्थियों की संख्या अधिक है तो परीक्षक को अधिक समय देना पड़ता। ली गई परीक्षा का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास भी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं। वो तो रिकॉर्ड है, अरे वो नहीं है, ऑनलाइन तो रिकॉर्ड है, ऑनलाइन रिकॉर्ड है, वो तो रिटर्न नहीं है, ओरल लिख दिया, वो भी खतरनाक है, वो तो तुम कभी भी चैलेंज कर नहीं कर सकते उसको, तुम्हारे पास ये है किसका आंसर इसने ये और दिया वो नहीं, उसका मतलब ये है जैसे मैं बोल कर अभी जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपने नहीं दिया आंसर तो मैं नंबर कितने करा दूंगा, जीरो, जीरो, ठीक है। लेकिन ये मुझे पता और आपको पता है, लेकिन तीसरे कैंडिडेट को नहीं पता, तो तुम क्या करोगे? सर सर ने तो जानकर जीरो नंबर दिए, मैं तो आंसर सही हो बताएगा, तुम टी बुलो बाद में मान लो गूगल पे सर्च करके तुम कहते तो सर मैंने तो आंसर ये दिया, तो मेरे पास क्या प्रूफ है? और आपने मान लीजिए सही भी आंसर दिया हो और मैंने आपके जानकर जीरो नंबर चढ़ा दिया तो आपके पास में क्या प्रूफ? सही बात, समझ गए, ठीक है। इसीलिए कभी भी देखना कि जब भी इंस्ट्रक्टर अगर वाइवा तुम्हारा अगर लेता है तो एक पेज ही मंगाता, खाली पेज लिखता हुआ मंगाते नहीं मंगाते, तो उस पर वो टिक करते रहते हैं किसने ये आंसर दिया, इसने ये आंसर दिया, इसने ये आंसर, तो वो भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाता है। सभी विद्यार्थियों का जिस परीक्षार्थी में आत्मविश्वास की कमी है उसका मूल्यांकन सही होना कठिन, यानी जिसका कॉन्फिडेंस कम है तो वो भी भीड़ में तो सभी आ जाते हैं फिर, ठीक है ना, वो भी सुन सुना के आंसर देते। सभी विद्यार्थियों से समान प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसलिए परीक्षण उचित नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो अब जैसे देखिए अभी मैं यहाँ से परसेंट पूछने स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, तो वो बच्चा गिन लेगा मैं पाँचों नंबर पर बैठा हूँ तो पाँचों क्वेश्चन मेरे आए, ठीक है ना, और वो जो चार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उन पर ध्यान नहीं देगा, वो कौन सा आंसर रखने लग जाएगा पाँच बार, जैसे कि हम स्कूलों में पूछते थे तो किसी गलत रोंग में खड़े थे, ठीक है ना। तो ये होता आपका क्या ओरल टेस्ट, ओरल टेस्ट में अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार मैं रिविजन कर देता हूँ दोबारा। सबसे पहले हमने टेस्ट के बारे में जाना कि टेस्ट होता क्या है, फिर उसकी विशेषता जानी, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक में हमने 10 विशेषता जानी, कौन कौन सी जानी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डिस्क्रिमिनेटिव, ठीक है, और फिर है कॉम्प्रिहेंसिव, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी और यूजेबिलिटी, इजी टू मार्किंग और डेफिनेट, डेफिनेट, संकेत, नो क्लूज, ये हो गया आपके 10 कैरेक्टरिस्टिक। फिर हमने टाइप ऑफ टेस्ट के जाने, तो जनरली जो टेस्ट होता है जनरली सामान्य है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड को प्रमाणित अप्रमाणित, जिसमें प्रमाण पत्र दिया जाता है तो स्टैंडर्ड हो जाएगा और जिसमें प्रमाण पत्र दिया जाता है तो नॉन स्टैंडर्ड। फिर इन दोनों को स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड को वापस कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया, कौन कौन से फिर हमने ओरल टेस्ट पढ़ा, ऐसा टेस्ट जो मौखिक रूप से बोलकर प्रश्न और उत्तर का परीक्षण किया जाता तो मौखिक कहलाता। फिर इसकी हमने एडवांटेज पढ़ी, इसकी एडवांटेज क्या है, फिर इसकी हमने डिसएडवांटेज जानी, इसकी डिसएडवांटेज यानी हानि क्या है, इसकी कमी क्या है। अब हम पढ़ेंगे रिटन टेस्ट के बारे में। तो देखिए ऐसा टेस्ट जो लिखित रूप में, ऐसा परीक्षण जो लिखित रूप में लिया जाता है या दिया जाता है तो कौन सा टेस्ट किया जाता है, रिटन टेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल बताइए रिटन टेस्ट के कौन कौन सा टेस्ट होता है आपका, रिटन एग्जाम्पल ड्राइंग का टेस्ट, अभी रिटन टेस्ट हटा दिया गया है, अभी आई टी आई में कौन सा टेस्ट, रिटन टेस्ट,